मैं अगर नीति आयोग की बैठक में जाता तो वहां पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने पर सवाल करता। मैं सवाल करता कि आखिर बिहार को उसका हक क्यों नहीं दिया जा रहा है। बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। ये बिहार का हक है, केंद्र सरकार बिहार को उसका हक नहीं दे रही है, इसीलिए मैं नीति आयोग की बैठक में नहीं जा रहा। नीतीश कुमार का ये बयान एक साल पुराना है। एक साल पहले नीति आयोग की बैठक हुई थी तो नीतीश ने उसका बहिष्कार कर दिया था और एक बार फिर वो नीति आयोग की बैठक से दूर हैं। एक साल पहले नीतीश कुमार महागठबंधन में थे और आज वो एनडीए में हैं। ऐसे में एक साल पहले नीति आयोग की बैठक से दूरी बनाना और जब वो एनडीए में है, बावजूद इसके उन्होंने नीति आयोग की बैठक से दूरी बनाई, तो इस बीच क्या संबंध है? इसी सवाल को तलाशेंगे हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में। दरअसल बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच के रिश्तों में तनाव दिखाई दे रहा है। ये तनाव नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के साथ ही बढ़ने लगा है, क्योंकि एक बार फिर सरकार में मोदी ने जेडीयू को सम्मानजनक हिस्सेदारी नहीं दी है। जेडीयू के 12 सांसद हैं और पीएम मोदी ने नीतीश की जेडीयू और एक सांसद वाली हम को बराबर की हिस्सेदारी दी है। दोनों ही दलों को एक एक कैबिनेट मंत्री पद दिया है। जेडीयू को एक अतिरिक्त सीट राज्य मंत्री की जरूर दी है, लेकिन मंत्रालयों के मामले में जेडीयू को कम महत्व के विभाग थमा दिए गए हैं। बिहार में तो इंडिया गठबंधन के नेता पहले ही दिन से दावा कर रहे थे कि मोदी ने नीतीश के हाथों में झुंझुना थमा दिया है और 22 जुलाई को संसद के बजट सत्र की शुरुआत के पहले ही दिन जब जेडीयू ने लोकसभा में बिहार के स्पेशल स्टेटस को लेकर सवाल किया तो केंद्र सरकार ने साफ कह दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसके बाद से ही नीतीश कुमार दबाव में दिखाई दे रहे हैं। वैसे जेडीयू के नेता तो दावा करते हैं कि नीतीश पर किसी तरह का दबाव नहीं है। हाँ, वो नाराज जरूर हैं, क्योंकि बीजेपी ने बिहार की सबसे बड़ी मांग को एक झटके में ठुकरा दिया है। ऐसे में साफ दिखाई दे रहा है कि नीतीश पर एनडीए छोड़ने का दबाव बन रहा था और अब इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि नीतीश कुमार ने मन बना लिया है कि वो पाला बदलने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि जब वो किसी गठबंधन को छोड़ने की तैयारी करते हैं तो गठबंधन के नेताओं से दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। अगस्त 2022 में जब नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ा तो उससे पहले उन्होंने बीजेपी हाईकमान के साथ बातचीत बंद कर दी थी, दिल्ली में होने वाली बैठकों से दूरी बना ली थी। केंद्र सरकार की जिन बैठकों में सीएम की उपस्थिति जरूरी होती है उसमें भी नीतीश कुमार ने जाने से मना कर दिया था। अगस्त 2022 में पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक हुई थी, उस बैठक से भी नीतीश कुमार ने दूरी बना ली थी। नीतीश उस समय एनडीए में ही थे, लेकिन नीति आयोग की बैठक के कुछ दिन बाद अगस्त में ही उन्होंने पाला बदल दिया था और एनडीए को छोड़कर महागठबंधन के साथ आ गए थे। अब एक बार फिर अगस्त का महीना आने वाला है, नीति आयोग की बैठक एक बार फिर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई और एक बार फिर से नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल नहीं हुए। इसके बाद से बिहार में चर्चा शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी को झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे 2023 में नीति आयोग की बैठक में भी नीतीश कुमार नहीं पहुंचे थे और जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि अगर बैठक में जाता तो वहां फिर से बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिए जाने की बात करता। अभी तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया है और अब एक बार फिर से नीतीश कुमार इस बैठक में नहीं गए हैं। संकेत इसी बात के हैं कि नीतीश एक बार फिर से पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल हाल के कुछ घटनाक्रमों की कड़ियों को मिलाया जाए तो साफ हो जाता है कि नीतीश कुमार आखिर नीति आयोग की बैठक से दूर क्यों रहे। हाल ही में यूपी और उत्तराखंड की सरकार की तरफ से एक आदेश कावड़ यात्रा को लेकर निकाला गया था, जिसमें कावड़ यात्रा के मार्ग में आने वाली सभी दुकानों के मालिकों को आदेश दिया था कि वो अपना नाम दुकान के साइन बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखें, जिसे इंडिया गठबंधन की तरफ से भेदभावपूर्ण बताया गया। इसी तरह की मांग बिहार में बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी की थी, लेकिन जेडीयू ने इस मांग को सीधे ठुकरा दिया था। इससे पहले बीजेपी के करीबी और हम नेता जीतन राम मांझी ने नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा था कि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, नीतीश कुमार महागठबंधन में थे, तो वो दबाव
दबाव बना रहे थे कि हम का विलय जेडीयू में कर दिया जाए और इसी के चलते हमको महागठबंधन का साथ छोड़ना पड़ा था। सवाल तभी उठे थे कि आखिर मांझी को ये बात आज बताने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या मांझी का बयान बीजेपी के इशारे पर आया था जिससे नीतीश पर दबाव बनाया जा सके? लेकिन जेडीयू की सबसे बड़ी नाराजगी का जो कारण बताया जा रहा है वो बिहार के प्रमुख सचिव संजीव हंस से जुड़े परिसरों पर छापेमारी को लेकर है। आईएएस अधिकारी संजीव हंस को भी सरकार का पसंदीदा अधिकार बताया जाता रहा है। ये छापेमारी भ्रष्टाचार के आरोप के चलते हुई है। दावा किया जा रहा है कि संजीव हंस के ठिकानों पर छापेमारी की खबर सामने आई। उसके बाद जेडीयू के एक वरिष्ठ मंत्री ने बिहार के डिप्टी सीएम को फोन कर चेतावनी दी थी कि इस तरह के छापे अच्छे नहीं है और इससे सहयोगियों के बीच मतभेद पैदा हो सकते हैं। बिहार में दो डिप्टी सीएम हैं और दोनों ही बीजेपी के कोटे के हैं। इसके अलावा एक और मामला है जो जेडीयू एमएलसी से राधाचरण सेठ से जुड़ा हुआ है। राधाचरण सेठ को सीएम नीतीश कुमार का करीबी माना जाता है। उनकी संपत्ति को ईडी ने जब्त कर लिया है। इसमें गाजियाबाद में मौजूद एमएसजी पब्लिक स्कूल और मनाली का इंटर कॉन्टिनेंटल रिसोर्ट शामिल है। स्कूल की पूरी जमीन और भवन समेत अन्य सभी संपत्तियां दोनों राधाचरण सेठ और कंपनी के एमडी के नाम पर है। मनाली वाला रिसोर्ट सिर्फ राधाचरण सेठ के नाम से है। इस रिसोर्ट की कीमत 30 करोड़ रुपए से अधिक आकी जा रही है। यानी नीतीश के करीबियों पर छापेमारी, नीतीश की बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर केंद्र की बेरुखी और राज्य में बीजेपी का बढ़ता दबाव, नीतीश कुमार परेशान दिखाई दे रहे हैं और इसी के चलते अब उन्होंने इंडिया गठबंधन का साथ देने की तैयारी कर ली है और उन्होंने नीति आयोग की बैठक से किनारा कर साफ संकेत दे दिया है कि अब वो दूसरा ठिकाना तलाश करने की तैयारी में है। नीतीश कुमार अगर पाला बदलेंगे तो साफ है बिहार में तो एनडीए की सरकार जाएगी ही, केंद्र की मोदी सरकार भी हिल जाएगी क्योंकि मोदी सरकार के पास सिर्फ 294 सांसदों का समर्थन है। अगर जेडीयू एनडीए से हटती है तो ये संख्या 284 रह जाएगी जबकि बहुमत का आंकड़ा 272 है। यानी फिर मोदी सरकार पूरी तरह से टीडीपी के समर्थन पर आश्रित रह जाएगी। यानी नायडू जैसा चाहेंगे मोदी सरकार वैसा ही काम करेगी। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर पलटी मारेंगे, वैसे तो 2022 में नीतीश कुमार ने अगस्त के महीने में पलटी मारी थी और अगस्त महीना शुरू होने वाला है, ऐसे में अगस्त में भी खेल हो सकता है या फिर चार राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद वो बड़ा फैसला ले सकते हैं। महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड और हरियाणा में 3 महीने के अंदर ही विधानसभा चुनाव होने हैं। यानी नीतीश कुमार 3 महीने में ही बड़ा खेल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर नीतीश कुमार पलटी मार जाते हैं तो राज्यसभा में इंडिया गठबंधन का बहुमत हो जाएगा तो एनडीए की सीटों की संख्या 100 से भी कम हो जाएगी। अभी राज्यसभा में जेडीयू के सांसदों की संख्या 5 है। अगर वाईएसआर, सीपी और बीजेडी की सीटों को जोड़ दिया जाए तो इंडिया गठबंधन के पास 107 सांसदों का समर्थन राज्यसभा में था। जेडीयू के आने पर यह संख्या 112 हो जाएगी। एनडीए के पास सिर्फ 97 सदस्य जाएंगे।